पहला सवाल तो यही है कि उनकी सक्रियता अमेठी में इधर क्यों है, वहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और उस पूरे क्षेत्र की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, मिनिस्टर हैं, तो उस पूरे क्षेत्र में अभी 2024 के चुनाव निकट हैं, वो भयभीत हैं, झूठ के आधार पे, अहंकार के आधार पे, किसी भी पॉलिटिक्स में कभी भी व्यक्तिगत आरोपों प्रत्यारोपों का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन स्मृति ईरानी ने जितने झूठ बोले और जिस जिस तरीके से जनता में एक छद्म बनाया, वो सब धीरे धीरे ओपन हो गया है। तो राहुल गांधी जी का वो क्षेत्र रहा है, वहाँ से वो एमपी रहे। अभी कन्याकुमारी से जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो स्मृति ईरानी का बयान आया, बहुत आवेग में बोल रही थी कि वहाँ पे गए थे तो विवेकानंद जी के को प्रणाम कर लेते, जबकि राहुल जी वहाँ गए थे। तो इस तरीके का जो क्या कहते हैं सतहीकरण है, राजनीतिक सतहीकरण जो इन लोगों ने किया है, ये भयभीत हैं। जनता इनको समझ चुकी है हर हाल में, और इस बार इनको पता है कि जनता इन्हें नकारने जा रही है। 2024 में ये लोग सत्ता से बाहर होंगे, ये भय इनको परेशान कर रहा है। जी, जो सक्रियता इस समय बनी हुई है, लगातार वो कार्यक्रम भी कर रही है, लोगों की समस्याएं भी सुन रही है, ग्राम चौपाल भी लगा रही है, 2024 के चुनाव में क्या इससे फायदा होगा भाजपा को? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, बीजेपी का जो लबादा था, जो झूठ का लबादा था, वो ब्रेक हो चुका है। उनकी अंदर की जो ओछापन है, जो झूठ है, जो फरेब है, वो बाहर आ गया है जनता के सामने। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ भी अब कर लें कि जनता अब तो बहकावे में नहीं आएगी। जो अभी पूर्व नगर विधायक आपके राकेश राठौर जी समाजवादी पार्टी से निकलकर अब उन्होंने कांग्रेस का दमन थाम लिया है, तो क्या उससे यहाँ सीतापुर से फायदा होगा कांग्रेस को? भारत में सभी को ये लग रहा है कि अगर संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो सकती है तो कांग्रेस पार्टी की वैचारिकी के साथ हो सकती है। इसलिए जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जिन्हें अपने समाज के लिए चिंता है, जो सोचने समझने की शक्ति रखते हैं, वो कांग्रेस में यकीन कर रहे हैं और कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। और उसी श्रृंखला में पूर्व विधायक राकेश राठौर जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और हमारे कांग्रेस पार्टी के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। हमारी वैचारिकी के साथ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए, समरसता के लिए जो भी व्यक्ति हमारी पार्टी में आना चाहे, उसका हम स्वागत करेंगे। कुछ चर्चाएं भी चल रही हैं कि उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं, क्या ऐसा कुछ बन रहा है सीन? दो लोग इसका जवाब दे सकते हैं। एक तो मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आपके सामने हूँ, मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात है नहीं। दूसरा जवाब राकेश राठौर जी खुद ही दे सकते हैं कि क्या कहीं से उन्हें कहा गया है। मुझे लगता है कि उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की वैचारिकी के साथ में हैं, हमें भारत जोड़ो यात्रा से एक नई ऊर्जा मिली है समाज को, भारत को, तो इसलिए हम कांग्रेस पार्टी में आए हैं और कांग्रेस पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जीएस सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंदी, लहरपुर रोड, सीतापुर, सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ, डी फार्म, बी फार्म, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।